नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव के सुचारू संचालन के लिए वाड़ी शहर पुलिस ने लावा, दौलामेटी, काजीमेट, सोनबानगर, द्रुगधामना, वर्धामना, सुराबर्डी, डिफेंस, गणेश नगर के गणेश उत्सव समिति सदस्य तथा मस्जिद कमेटी के साथ एक समन्वयक बैठक की मेजबानी की। गणेश चतुर्थी उत्सव 19 सितंबर से मनाया जाएगा और मूर्तियों का अंतिम विसर्जन 28 सितंबर को होगा तथा मिलाद उन नबी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इसलिए डीसीपी अनुराग जैन, पीआई प्रदीप रायनवार, क्राइम पीआई विनोद गोडबोले ने गणेश समिति के प्रतिनिधि एवं मस्जिद कमेटी से बैठक की। बैठक में बिजली, यातायात, जल, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान समिति के प्रतिनिधियों ने सड़कों पर गट्टू, विशिष्ट स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था, मंडपम, आयोजकों को वाहन उपलब्ध कराने और विसर्जन के दिन आधी रात को पानी और भोजन की व्यवस्था के बारे में कुछ मुद्दे सामने लाए। अधिकारियों ने पुनर्तैयारी का आश्वासन दिया और सभी सामग्री और मानव संसाधनों को तैनात करने पर सहमति डीसीपी अनुराग जैन ने देने का व्यक्त किया है। डीसीपी जैन ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों से वाड़ी पुलिस स्टेशन के बीच समन्वय सूचनाओं के आदान प्रदान को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया और समुदाय के प्रतिनिधियों से मूर्ति विसर्जन के संबंध में जारी किए गए अदालती आदेशों का पालन करने का आग्रह किया। बैठक में त्योहार मनाने, मूर्ति विसर्जन, सीसीटीवी लगाना और जुलूस मार्गों और अन्य व्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने सूचना प्रपत्रों को विधिवत भरने की अपील की और बताया कि पिछले साल 28 मंडलों को अनुमति दी है, इस बार 31 मंडलों को गणेश चतुर्थी की अनुमति दी है। ऐसी जानकारी पीआई प्रदीप रायनवार ने दी। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी से सभी विभागों की टीमें बिना किसी कमी के उचित व्यवस्था करने में सक्षम होगी। उचित सुरक्षा, सीसीटीवी कवरेज और बढ़ती जाने वाली अन्य सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया गया। डीसीपी जैन ने कहा कि इस विशाल आयोजन में कई श्रद्धालु भाग लेंगे और प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपाय लागू हों। पीआई प्रदीप रायनवार ने कहा कि सड़क से सुरक्षित रोशनी, विसर्जन दौरान बंदोबस्त जैसे मुद्दे पर पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। डीसीपी ने बैठक को संबोधित किया और पुलिस के साथ सहयोग का आग्रह किया। इस दौरान सुजीत नितनौरे, ज्योत्ना नितनौरे, रेखा कोड़ापे, कमल पेंदाम, अर्चना चौधरी, सरोज धुर्वे, उषा कड़ू, सुखिया मकोड़े, प्रीति पेदराज, मीना भाजीपाले, अमोल सोनसरे, शब्बीर अंसारी, कारी राहित रजा, इकबाल कुरेशी, पठान साहब, मोहम्मद नसीर अंसारी, अब्दुल शेख, समीम मंसूरी, रियाज अंसारी, कृष्णा कटरे, विजय शिंदे, सावली पाटिल, उकंड मोहड़ चौधरी, अतुल खाड़े, रोशन रागिड, प्रवीण महल्ले, राजकुमार पंसारे, प्रथमेश डोंगरे उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नामदार भागवत कराड़ इनके अध्यक्षता में पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु व आरोग्य कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री नामदार भारती पवार, नासिक के सांसद हेमंत गोड़से इनके हाथों से वर्धा जिले के अग्रगण्य वना नागरिक सहकारी बैंक को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एसोसिएशन मुंबई का पद्म भूषण के वसंत दादा पाटिल बैंक पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा बेस्ट बैंक अवार्ड के रूप में बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर कोठारी, उपाध्यक्ष सुरेश सायंकार, संचालक हिम्मत चतुर ने मान्यवरों के हाथों उत्कृष्ट बैंक पुरस्कार ग्रहण किया गया। वना नागरी सहकारी बैंक हिंगनघाट लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2022 में 100 से 250 करोड़ तक की जमा राशि के साथ सहकारी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों के समूह से पद्म भूषण के वसंत दादा पाटिल उत्कृष्ट नागरी सहकारी बैंक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वना नागरी सहकारी बैंक को वित्तीय वर्ष 2022 में 204 करोड़ रुपए की जमा राशि और 138 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। बैंक का शुद्ध लाभ 4 करोड़ 3 लाख रुपए रहा है। विशेष रूप से वना बैंक की स्थापना के बाद से बैंक को लगातार ऑडिट क्लास ए प्राप्त हुआ है। वना नागरी सहकारी बैंक की वर्धा जिले में 7 शाखा है और जल्द ही शाखाओं का विस्तार जिले के बाहर किया जाएगा। बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस पुरस्कार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर कोठारी ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पुरस्कार बैंक के सदस्यों, ग्राहकों, कर्मचारियों एवं शुभचिंतकों के सक्रिय सहयोग से प्राप्त हुआ है और बैंक इसी के साथ प्रगति की ओर अग्रसर है। सभी के सहयोग का आभार व्यक्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर वना बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर कोठारी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मेश कोठारी, उपाध्यक्ष सुरेश सांकार एवं समस्त निदेशक मंडल को हर स्तर से बधाई मिल रही है।
बिसेन न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। देशे और महाराष्ट्र में पोला ये त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। नंदी पोला उत्सव भी मनाया जाता है। बाल गोपाल लकड़ी के नंदी बैलों के साथ इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर हिंगन घाट शहर के बाजार पेट में लकड़ी के नंदी बैल कम से कम 2000 से लेकर 1.5 लाख तक की कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हिंगन घाट में श्रीराम डाकुरे चिकनी तालुका वरोरा जिला चंद्रपुर में एक सुतार करने वाले अपने हाथों से लकड़ी पर नक्शाशी करता है और उन्होंने शहर में 1.5 लाख रुपए कीमत का लकड़ी का नंदी बैल बिक्री के लिए लाया है। हर साल इससे 4 से 5 लाख रुपए में बिक्री करते हैं। इस साल उन्होंने 7 फीट लंबा लकड़ी का नंदी बैल बनाया है और इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए रखी है। इसके लिए वे बल्लाशाह के लकड़ा डिपो से 50,000 रुपया लकड़ा खरीदी करते हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए की लकड़ी की नंदी बेचा है और इस वर्ष विदर्भ का सबसे बड़ा 7 फीट का लकड़ी का नंदी बैल उन्होंने बनाया है। पोळा म्हटलं म्हणजे शेतकऱ्याचा मोठा उत्सव। उद्या मोठा पोळा, त्याच्यानंतर ताना पोळा। ताना पोळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हिंगणघाट शहरात जवळपास 7 मूर्तीचा आता एक नंदी बनवलेला आहे। त्यांच्याकडून नंदी बनवणारे जे गृहस्थ आहेत, त्यांच्या काका मला सांगा तुमचं नाव काय आहे, तुम्ही कुठल्या गावचे आहे? माझं नाव श्रीराम डाकोरे आहे, मुक्काम चिकणी तालुका वरा जिल्हा चंद्रपूर तुम्ही। आज जो तो नंदी आपण इथं ठेवला आहात, किती लाख रुपयाचा आहे, किती लाखापर्यंत आपल्याकडे नंदी आहे? हा जो बैल माझा 1.5 लाखाचा, याच्यापेक्षा लहान बैल असतो, किंमत 2000 रुपयापर्यंत। या नंद्यासाठी आपलं कार्य किती दिवसापासून चालते, याच्यापासून किती कमाई आपण करू शकतो? या बैलाला बनवण्यासाठी 2 महिने लागते आणि त्याच्यानंतर लागते। म्हणजे एकूण वर्षभराची आपली जी कमाई आहे ती किती होते? वर्षभराची कमाई म्हणजे 4-5 लाख रुपये आम्ही कमवू शकतो। आपल्याकडून आतापर्यंत कुठल्या कुठल्या ठिकाणी नंदी दिलेला आहे आणि कुठल्या कुठल्या लोकांनी नंदी घेतली? माझ्याकडले बैल चंद्रपूरला नरेश बाबू मुलियाने खरेदी केला आहे, तो त्याला मी 1.25 लाखात दिला होता। त्याच्यानंतर एक रारेगावने गेल्यावरती तो नागापुरे शाळेचा अध्यक्ष आहे, त्यांना घेतला। अजून कुठल्या कुठला आपल्याकडून असा आहे का त्याला मुंबईपर्यंत आपण बैल घेतलेला आहे? हो, माझे एक बैल मुंबईला सुद्धा गेला आहे, नागपूरला गेला आहे, जवळीला गेला आहे, पुरगावला गेला आहे। मला सांगा, हा जो आपण 1.5 लाखाचा बैल जो आहे बनवलेला आहे, हा विदर्भातला सगळ्यात मोठा बैल असेल का? हो, विदर्भातला हा सगळ्यात मोठा बैल आहे। एकूणच आपण जे गृहस्थ होते बैल बनवणारे, त्यांच्याकडून आपण प्रक्रिया जाणून घेतली आहे। जवळपास 1.5 लाखाचा जो नंदी 7.5 फुटाचा आहे, इतका मोठा नंदी त्यांचा एक दावा आहे का? इतका मोठा जो नंदी आहे विदर्भात कुणाहीकडे नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी। मोठा सण पोळ्यानंतर नंदी पोळा जो आहे तो उद्या परवा राहणार आहे। हा हिंगणघाट शहरात आपण बघू शकता जवळपास 1.5 लाखाचा जो आहे नंदी आला आहे। येथील गृहस्थांकडनं विदर्भातील सगळ्यात मोठा नंदी असल्याची प्रतिक्रिया सुद्धा तुम्ही त्यांनी दिली आहे। त्याच्याजवळ अनेक प्रकारचे नंदी सुद्धा आपण दृश्यांमध्ये पाहू शकता। 70, 75 ते 20 हजारापासून ते 2000 पर्यंत अशा बैलांची त्यांच्याजवळ एक मोठी फळी आहे। अनेक प्रकारचे नंदी आहे, यांचे जे नंदी आहे मुंबईपर्यंत राजकीय लोकांना कुबलियापर्यंत असे 1.25 लाख रुपयापर्यंत जवळपास यावर्षी यांनी 3 बैलं जे आहे विकण्याची माहिती यावेळी दिली आहे। आपण बैलाला पाहू शकता, तो बैल जो होता नंदी होता 1.5 लाखाचा आहे, तर याची किंमत जवळपास 75,000 रुपये किंमत यांनी ठेवलेली आहे। असे अनेक प्रकारचे बैल जे नंदी बैल जे आहे हिंगणघाट शहरातील विकणे विक्रीकरिता गृहस्थाने आणले आहे। एकूणच बैलाचा जो व्यापार आहे जवळपास 4 ते 4.5 लाख रुपये वर्षाला कमवता, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली आहे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।